अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, तो गोया अशफाक तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजना बंद नहीं करोगे। भाई मौलवी गफ्फार साहब कुछ आप ही समझाइए अशफाक को, इसकी बेटी को अंग्रेजी तालीम का कुछ ज्यादा ही शौक है, लेकिन हम गांव के माहौल को खराब नहीं होने देंगे। भाई आप यहाँ के सबसे बड़े इमाम हैं, आपकी बात टाली नहीं जा सकती। देखो अशफाक, हमने फैसला किया है कि अगर तुम्हारी बेटी इसी तरह गांव से बाहर गई तो पढ़ने ही तो जाती है, गांव में स्कूल नहीं है। ओ पहले पूरी बात तो सुनो, हमने फैसला किया है कि गांव की पठान बिरादरी अब से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। हमारे भी कुछ उसूल हैं। ऐसा ना कीजिए, छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा। गाँव में अगर स्कूल होता तो जब गाँव में मदरसे मौजूद है और तुम्हारी बेटी मदरसे में पढ़ भी चुकी है तो स्कूल की हिंदी अंग्रेजी तालीम की जरूरत ही क्या है। अरे क्या बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी कमाई खाओगे? जनाब आपकी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। मेरी बेटी का रिश्ता इसलिए तय नहीं हो सका कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हमने उनको बता दिया था कि जीनत ने मदरसे से तालीम हासिल की है, लेकिन वो नहीं माने और रिश्ता तोड़कर चले गए। अरे जरूरी है क्या शहर में रिश्ता करना? गांव में पठान लड़के मौजूद नहीं है क्या? वो लड़के किस काबिल हैं आप बेहतर जानते हैं। तो क्या हुआ, खाते कमाते तो हैं। ओ क्या पढ़े लिखे लोग अपने बीवी बच्चों को सोने के निवाले खिलाते हैं। खैर हमें जो कहना था कह चुके, अब सोचना तुम्हारा काम है। हमें अब कुछ नहीं सोचना, हम सोच चुके हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो वक्त के साथ चल सके, जिंदगी के उतार चढ़ाव समझ सके। मौलाना साहब हमने तो यही देखा है, वही कौम तरक्की करती है जो तालीम को अपनाती है, तालीम से ही समाज में बेदारी आती है। हो सकता है हमारी जीनत मुस्लिम समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। मौलाना साहब आप बेशक हमें समाज से काट दें, लेकिन हमारी बेटी पढ़ेगी जरूर, जरूर पढ़ेगी वो। ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि बागपत के टांडा गांव की पूरी मुस्लिम आबादी तालीम और तरक्की की अहमियत से बेखबर है। समाज की बदहाली रोटी कपड़ा मकान की तंगी नहीं है, तालीम से महरूमी भी समाज को बदहाल बनाती है। जिस समाज में जहालतों के अंधेरे होते हैं वहां मुस्तकबिल का कोई तसव्वुर नहीं होता। ऐसे में मौलाना करीम खान और मौलवी गफ्फार खान जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो अशफाक खान जैसे लोगों के लिए रास्ते हमवार करते ताकि जीनत जैसी लड़कियां बेखौफ होकर आगे बढ़ सकते। लेकिन अफसोस कि इन चंद बासर लोगों की बेहिसी मुस्लिम समाज की हिम्मत पस्त कर रही है। बस आने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। वो देखो जीनत, मैं कई दिन से इस लफंगे को देख रही हूँ, जब देखो तुम्हें घूरता रहता है। मैं भी इसी को देख रही हूँ, यहाँ का रहमान लगता है, इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। हर किसी से मत उलझा करो, ये हमारा गांव नहीं है। ऐसी बात नहीं है लता,
अपने आप को बचाने की हिम्मत हर जगह हमारे अंदर होनी चाहिए। और इन लफंगों का जल्दी इलाज ना करो ना तो इनकी बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए फौरन बुखार उतारना जरूरी है। देखो वो इधर ही आ रहा है। आने दो कमीने को। मैडम क्या टाइम हुआ है? क्यों, हवाई जहाज पकड़ना है? नहीं मैडम, जीना यहाँ मरना यहाँ, और आपको छोड़कर जाना कहाँ? अब ये पिट जाएगा। मेरा नाम सल्लू है और आपका पता भी दीजिए ना मैडम, नहीं तो मैं यहीं जान दे दूंगा। अच्छा ये बात है, जान देने की जरूरत नहीं। मेरा नाम, मैंने सल्लू का हाथ उठाया। ये रहा मेरा नाम, घर का पता बताओ। सीनत तूने तो कमाल कर दिया। लता जब तक मुकाबला नहीं करेंगे ना इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती जाएगी, समझते हम लड़कियां तो बेजान हैं। शाबाश, मैं आप लोगों को शाबाशी देने आया हूँ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो भाग गया। वैसे आप लोगों को जाना कहाँ है? ये ऊंचे घराने के सल्लू लगते हैं। जी क्या कहा? जनाब हमने अभी एक से पीछा छुड़ाया, आपने देखा ही होगा। देखिए आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को जाना कहाँ है। आप बहुत बोल चुके, तशरीफ ले जाइए, हमें कहीं नहीं जाना। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। ये कोई बदमाश नहीं था? बाज बदमाश भी सूरत से शरीफ लगते हैं। लेकिन है बिल्कुल हीरो जैसा, तुम्हें कितनी प्यारी प्यारी नजरों से देख रहा था। कुछ देर और रुकता तो इसे भी सल्लू बना देते। क्या हुआ? क्या बताऊं जनाब, उन लोगों ने धमकी दी है कि पठान बरादरी हमसे रिश्ता नाता ही तोड़ लेगी। हैं? मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है जनाब। बेटी तो नेमत है, उसे अच्छी तालीम और तरबियत देना तो गोया अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करना है। औलाद को इल्म से संवारना नेकी का काम है और नेकी के काम में लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, अपना हौसला बनाए रखिए और अपनी बेटी की भी हौसला अफजाई कीजिए। जनाब आपकी बातों से मेरे अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है। अब मेरी बेटी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ हालात की क्या सितम जरीफी है कि कोई लड़की अनपढ़ रह जाती है तो रिश्ता नहीं होता, पढ़ना चाहती है तो उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जबकि किसी मजहब ने, किसी धर्म ने इंसान को तरक्की करने से मना नहीं किया है। औरत हो या मर्द, सबको बराबर का दर्जा हासिल है। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत और मर्द को दुनिया में अमल करने का हक है, जो कुछ मर्दों ने किया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो औरतों ने किया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। दोनों को अमल करने का इख्तियार है, अमल इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। सच यह है कि तालीमी जुस्तजू से दुनियावी जिंदगी भी संवरती है और आखिरत भी। मौलवी साहब ने तुम्हें दिया ही क्या है? तुम उनकी बीवी हो लेकिन मुआशरे में बता नहीं सकती। मैं उनका बेटा हूं लेकिन उन्हें वालिद नहीं कह सकता। क्या मैं तुम दोनों की नाजायज औलाद हूं? खबरदार, अरे मैं कहती हूं खबरदार, अगर इससे ज्यादा तू एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ
अरे तुझे क्या खबर कि मौलवी साहब के हम पर कितने एहसान हैं, उन्होंने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं जवानी में बेवा हो गई थी, एकदम अकेली हो गई थी, एक तो औरत, फिर अकेली औरत में सहारा, लोगों के लिए खिलौना बनकर के रह जाती और लोगों की ललचाई हुई नजरें, ताने, इल्जाम, इन सब से बचाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की और लोगों का मुंह बंद किया। शादी की गांव से बाहर जाकर? अरे इस गांव में तुम्हारी हैसियत क्या है ये तो सोचो, लोग तुम्हें शक की निगाह से देखते हैं, ये मौलवी साहब सबको बताते क्यों नहीं? उनकी मजबूरी थी, मजहब में दूसरी शादी करना जायज समझा जाता है, लेकिन दूसरी शादी करने वाले को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। मजबूरी कौन समझता है, दुनिया पहली बीवी का हमेशा साथ देती है बेटे, और दूसरी को मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। देखो बेटे, मौलवी साहब एक अच्छे और नेक इंसान है, उन्होंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सोहबत बचपन से ही बहुत खराब हो चुकी थी। तुम कहते हो कि मौलवी साहब ने हमें क्या दिया, लेकिन बेटे मैं पूछती हूँ कि तुमने हमें क्या दिया? तुम्हारी वजह से हमें ताने सुनने पड़ते हैं। क्या मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, गिरोह चलाता हूँ मैं? लड़कियों को छेड़ना, आवाजें कसना, क्या ये कोई अच्छा काम है? अशफाक की बेटी जीनत को तुम परेशान करते हो? अरे मुझे साफ मालूम है, तुम्हारे ही यार दोस्त बताते हैं। हाँ वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे शादी। अरे ये फितूर दिमाग से निकाल दो, पहले किसी काबिल तो बन जाओ। मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं तो तुम्हें साथ इसलिए लेकर के आई थी बेटे कि तुम सुधर जाओगे, मगर तुम तो यहां आकर और ज्यादा बिगड़ गए। हम वापस चलेंगे। मैं भी वहां जाकर के कोई मेहनत मजदूरी कर लूंगी, क्योंकि इस तरह की जिंदगी गुजारना तो मुझे भी कतई पसंद नहीं। वादा करो मेरे नाल कि तुम इस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। वादा कर मेरे बच्चे, और इंसान बनने की कोशिश करेंगे मेरे चांद, वादा कर ले मेरे लाल। लो आगे ऊंचे घराने के सल्लू। ये आप मुझे देखकर सल्लू का हवाला क्यों देती हैं? ये बताइए, आपको कोई काम नहीं, हर वक्त मारे फिरते हैं। जी मोहतरमा, मारे मारे फिरना ही तो हमारा काम है। जीनत, ये तो सल्लू से भी ज्यादा ठीक है। जीनत, आप टांडा गांव वाली जीनत तो नहीं? जी, लेकिन आपको कैसे पता? हमें सब पता है, क्योंकि हम ऊंचे घराने के सल्लू हैं। वैसे आज आपको बस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बस वालों ने हड़ताल कर दी है।
ये तो एक मसला हो गया। आप घबराइए नहीं, मैं आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। पूरे शहर में मेरी दादागिरी चलती है, आप यही इंतजार करें। आप कहो, शरीफ आदमी तो है ये? कुछ नहीं, अपनी धौंस जमा रहा है, नियत तो वही सल्लू वाली है। भाई कुछ भी कहो, ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा है। अरे उसने तुम्हारे घर का पता भी मालूम कर लिया। हाँ, उसे कैसे पता कि हम टांडा गांव के हैं? मीम साहब आपका पक्का परस्तार है। ऐसी की तैसी, अब पलटेगा ही नहीं, कहां से लाएगा बस। आ गई आपकी सवारी। मैं बागपत का दादा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब आप तशरीफ ले जाएं। हाय हाय हाय, अब तो शहर की हवा लग गई। कार से वापसी होती है? किसकी कार थी वो? एक पढ़े लिखे शरीफ आदमी की। शहर पढ़ने जाती है गुल छर्रे उड़ाने? रहमान अपनी जुबान को लगाम दो, वरना 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 क्या? वरना चप्पल उतारने में हमें देर नहीं लगती। क्या कहा तुमने? रहमान भाई क्यों बात को आगे बढ़ाते, हमें स्कूल जाना है। भाई भाई मत कहिए मुझे, जवान लड़कियों का भाई बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। ठीक कहा लता इन्होंने, लेकिन उनसे चप्पल खाने का जरूर शौक है। देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो तेरा गाड़ी वाला शरीफ आदमी मेरे नाम से कांप उठेगा, समझी? और अगर हमने चप्पल उतारी ना तो तुम गीदड़ की तरह भागते हुए नजर आओगे। जीनत बात को मत बढ़ाओ, चलो चलो यहाँ से चलो। तुझे तो देख लूंगा मैं। तुमने फिर जीनत को छेड़ा? शर्म नहीं आती तुम ऐसी हरकतें करते हुए है? पहले भी तुम्हें कितनी बार समझाया है। वो अपने आप को समझती क्या है? और तू अपने आप को क्या समझता है? क्या है तू? मैं पूछती हूँ तू है क्या? सारा गांव तुझे गुंडा और बदमाश कहता है। मैं गुंडा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गुंडा। तो फिर हर मामले में तेरा ही नाम क्यों आता है? हा? सब तुझे बुरा भला कहते हैं। इस गांव के कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है। तुम्हारी करतूतें ही ऐसी हैं। देखो रहमान बेटी, मैं तुम्हारी माँ, मैं जानती हूं कि तुम गुंडा और बदमाश नहीं हो, लेकिन तुम बदनाम हो चुके हो। कल को खुदा ना ख्वास्ता जीरत को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा बेटे। तुम फंसोगे, पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, पहले भी तो ऐसा हो चुका है। देखो बेटे, हर चीज की एक हद होती है, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है। इस उम्र में लड़के अपनी माँ का सहारा बनते हैं, अपनी माँ का जीना दूभर नहीं करते। अब हम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और जीनत का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं जीनत के काबिल नहीं? हाँ,
तुम उसके काबिल नहीं हो। अपनी ताकत दिखा कर किसी का दिल जीता नहीं जा सकता बेटे। अगर तुम में ताकत है, तुम में वाकई मर्दानगी है, तो अपनी इस बेसहारा अम्मा का सहारा बनकर दिखाओ। और पूरी दुनिया को बता दो कि तुम्हारी माँ बेसहारा और मोहताज नहीं है। और मैं भी फख्र से कह सकूं कि रहमान मेरी औलाद है, मौलवी साहब की औलाद है। सोचा था कि बड़े होकर समाज से तुम मुझे मेरा हक दिलवाओगे, तुम पर मेरा हक होगा, लेकिन तुमने मुझे दिया ही क्या है, बदनामी और रुसवाई के सिवाय और कुछ नहीं दिया। इस गांव से चलने की तैयारी करो, अब तुम कुछ नहीं करोगे, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, अपनी मां का सहारा तो बन सकता हूं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता है तो मां का, सिर्फ मां का। मेरे ला बच्चे, आज हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या मतलब? मैं अपनी मां को लेकर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। बैठ बैठ जाओ बेटे। मैं ये कहने आया हूं कि जो मकान आपने मेरी मां को रहने के लिए या जबान बंद रखने के लिए दिया था, वो हम खाली कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कुछ पैसे वैसे की जरूरत? एक औरत की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप जैसा कोई शरीफ आदमी उसके ऊपर एहसान करता है, तो वो अपनी पिछली जिंदगी भूलकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए ताने बाने बनने लगती है। फिर वो हालात के थपेड़ों से दो चार होती है, उसे उसे जिंदगी की सच्चाइयों का एहसास होता है। अब उसके पास औलाद के सिवा कुछ नहीं रहता। मैं अपनी दुख भरी मां की अनपढ़ आवारा औलाद हूं। कभी अपने मां के दर्द को नहीं समझ सका। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी मां का गुनाहगार हूं। मैंने अपनी मजबूरियों का ख्याल किया, अपने हालात की नजाकत का ख्याल किया, लेकिन तुम लोगों की मजबूरियां, तुम लोगों के हालात की संगीनियों पर गौर नहीं किया। हां,
ये मेरे ईमान की कमजोरी थी। मेरी मां को आपसे कोई शिकायत नहीं और ना ही मुझे आपसे कोई गिला, लेकिन अफसोस जरूर है कि मेरे सर पर अगर बाप का साया होता तो मेरी जिंदगी वो जिंदगी नहीं होती जो जिंदगी मैं जीता रहा हूं। मैं भी पढ़ लिख कर मुआशरे में एक जिम्मेदार आदमी बन सकता था। अपनी मां को घुटन भरी जिंदगी से निजात दिला सकता था, मगर आज इंसानी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की अहमियत का मुझे पता चला है। मैं अपना खोया हुआ वक्त, गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं ला सकता, मगर हां अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। बानो ने कुछ कहलाया है? नहीं, उसके मुंह पर तो आपके एहसान का ताला है। अगर वो कुछ कहती तो यही कहती कि उसने आप पर अपना मेहर माफ कर दिया। मेरी मां अनपढ़ थी, इसीलिए कमजोर पड़ गई, बेसहारा हो गई, जमाने से लड़ने और अपने पैरों पर खड़े होने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मेरी गुजारिश है कि आप लोग, मुआशरे के इज्जतदार लोग, गांव की किसी भी जीनत को बानो की जिंदगी जीने पर मजबूर मत कीजिएगा। उन्हें पढ़ने लिखने दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में कोई औलाद रहमान जैसी ना हो। अगर उनकी राहें आसान कर सकें तो यह एक जीनत पर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम मुआशरे पर, पूरी कौम पर, पूरी उम्मत पर एहसान होगा। खुदा हाफिज। है फर्ज के साथ हक बराबर, जो प्यार दो को भी सवार देंगे।